नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नागकैया की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त कर नागकैया प्राप्त करता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके हाथ लग जाती है उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। नागमणि होती है या नहीं, इसके बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हम सबने भी मणिधारी नाग की कहानियां किताबों में पढ़ी हैं, मगर हकीकत में शायद ही किसी ने नागमणि देखी होगी। हाल ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें नागमणि के साथ खतरनाक नागों को भी बताया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह नागमणि असली है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। नागमणि को भगवान शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वे खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण